बेटी की विदाई। सुमन एक बाल्टी लेकर अपने घर की चूती हुई छत के नीचे खड़ी थी, तभी उसकी माँ देवकी वहाँ आती है और कहती है, अरे बेटी, ये छत जब तक बारिश आएगी तब तक ऐसी ही चूती रहेगी, तो कब तक यहाँ खड़ी रहेगी? चल हमारे साथ आकर खाना खा ले। नहीं माँ, आप और पापा खाना खा लो, जब तक मैं यहीं खड़ी रहती हूँ। अगर मैं यहाँ से हट गई तो ये पानी जमीन पर गिर जाएगा और हम रात भर सो नहीं पाएंगे। इसके बाद देवकी वहाँ से चली जाती है। सुमन जानती थी कि घर में केवल दो लोगों का ही खाना है, इसलिए वो जानबूझकर अपने माँ बाप को खाना खिला देती है। फिर खाना खाकर देवकी और उसका पति किशोर लाल सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और सुमन भी चटाई बिछाकर उन्हीं के साथ सो जाती है। सुमन का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं होता था। वो लोग बस जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहे थे। फिर एक दिन देवकी किशोर लाल से कहती है, सुनो जी, मुझे लगता है कि अब सुमन के हाथ पीले करने का समय आ गया है। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें अब अपनी बेटी को इसके ससुराल विदा करना पड़ेगा। कब तक ये हमारे साथ ये सब सहती रहेगी? तुम चिंता मत करो, मैं सुमन के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद किशोरी लाल सुमन के लिए रिश्ता ढूंढने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन किशोरी लाल हाथों में मिठाई लेकर आता है और सुमन को खिलाता है। क्या हुआ पापा, ये मिठाई किस बात की? बेटी, तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। मैंने पंडित जी को तेरी फोटो दे दी थी। पंडित जी ने कई घरों में तेरी फोटो भेजी और ये घर के लोगों को तू पसंद आ गई है। अपने पिता की बात सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, पापा, आप मुझे इस घर से विदा करने की तैयारियां कर रहे थे और आपने मुझे बताया भी नहीं। बेटी, एक न एक दिन तो तुझे ये घर छोड़कर जाना ही होगा ना। मैं भी तो तेरे नाना का घर छोड़कर तेरे पापा का हाथ पकड़कर इस घर में आई थी। हाँ बेटी, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, वैसे लड़के वाले दो दिन बाद घर आ रहे हैं, तो घर को थोड़ा अच्छे से साफ कर लेना। फिर दो दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और लड़के की माँ शीला और लड़का दीपक सुमन के घर पर आते हैं। सुमन बहुत ही सुंदर हरी रंग की साड़ी पहनकर उनके सामने आती है। सुमन को उस हरी साड़ी, उसके ऊपर बहुत ही सुंदर नयन नक्श और सादे स्वरूप को देखकर दीपक को सुमन बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है और शीला को भी सुमन पसंद आती है। जिसके बाद शीला कहती है, क्या बात है भाई साहब, आपकी बेटी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और कम से कम आपके घर से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा। वैसे खूबसूरती से तो सब कुछ होता नहीं, इसलिए ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ तो दहेज में दे ही दीजिएगा। ठीक है बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं कर दूंगा। इसके बाद लड़के की माँ शीला सुमन को चुन्नी उड़ाकर उसकी नज़र उतारती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब किशोरी लाल शादी और दहेज के लिए लोगों से मदद मांगने लगता है। कभी वो सेठ के पास जाता तो कभी जमींदार के पास तो कभी किसी और के पास, लेकिन कोई भी किशोरी लाल की मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि हर कोई जानता था कि अगर उसने किशोरी लाल को पैसा दे दिया तो किशोरी लाल अपनी गरीबी की वजह से उन्हें पैसा लौटा ही नहीं पाएगा। थक हार कर किशोरी लाल एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और कहता है, हे भगवान, क्यों तू मेरी इतनी परीक्षा ले रहा है? मुझे अपनी बेटी को विदा करना है, कम से कम मेरी कुछ तो मदद कर। फिर थोड़ी देर बाद निराश होकर किशोरी लाल घर जाता है। अपने पति को ऐसे निराश देखकर देवकी कहती है, क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? देवकी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं दहेज के लिए पैसे इकट्ठा कहाँ से करूँ। कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। अब तो एक ही रास्ता बचा है, मुझे ये घर बेचना पड़ेगा। कोई नहीं जी, आप ये घर बेच दीजिए और उसे दहेज का सामान ले आइए। सुमन की शादी अच्छे से हो जाए, वो एक अच्छे से घर में चली जाए, उसके बाद तो हम सड़क पर भी अपना गुजारा कर लेंगे। सुमन दरवाजे के पीछे खड़ी होकर ये सब बातें सुन रही होती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसकी वजह से उसके माँ बाप इतने परेशान हैं। फिर किशोरी लाल अपने घर को एक सेठ के पास बेच देता है और उन पैसों से सुमन के दहेज का सामान ले आता है, जिसमें कुछ सोने का सामान भी होता है। फिर आखिरकार शादी वाला दिन भी आ जाता है
दीपक और सुमन के फेरे चल ही रहे होते हैं कि तभी दीपक की माँ शीला की नज़र दहेज के सामान पर पड़ती है और वो पंडित जी को रोकते हुए कहती है, रुक जाइए पंडित जी, मंत्र पढ़ना बंद कर दीजिए। क्या हो गया बहन जी, हमसे कोई गलती हो गई क्या? गलती नहीं बल्कि झूठ बोला आप लोगों ने। आपने कहा था कि आप दहेज का इंतजाम कर देंगे, लेकिन दहेज के नाम पर आप ये हमें चवन्नी पकड़ा रहे हैं। बहन जी, हमसे जितना हो पाया हमने कर दिया, अब आप ऐसे ही एन वक्त पर शादी मत रोकिए। मैंने कह दिया ना, इतने से दहेज में मैं अपने बेटे की शादी नहीं करवा सकती। इन सब बातों को सुनकर अब तो सुमन के अंदर का सारा गुस्सा बाहर आ जाता है और वो कहती है, देखिए आपकी होने वाली बहू के नाते मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इंसान को इतना भी लालची नहीं होना चाहिए। अरे आप जानती भी हैं, मेरे माँ बाप ने इस दहेज के लिए इस घर को बेच दिया जो कि उनकी पूरी जीवन की जमा पूंजी थी, और सबसे बड़ी और उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी कि मैं, मुझे भी वो आपके हवाले कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे भी आप पैसे का मुँह देख रही हैं। माँ, सुमन बिल्कुल ठीक कह रही है, हमारे पास किस चीज की कमी है जो आप दहेज के लिए इस मासूम लोगों को इतना सता रही हैं? देखिए माँ, मैं शादी करूँगा तो बस सुमन से ही करूँगा, और वो भी आज ही। शीला को सुमन और दीपक की बातें सही लगती है और अपने अंदर के लालच को देखकर उसे पछतावा भी होता है, जिसके बाद वो सुमन और दीपक की शादी बड़े ही धूमधाम से करा देती है। और फिर किशोरी लाल और देवकी अपनी बेटी की विदाई नम आंसुओं के साथ करते हैं और उसे अनंत खुशियों की दुआएं देते हैं। इसके बाद दीपक अपने पैसों से किशोरी लाल का घर उसे वापस दिला देता है, जिसके बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। ये कहानी रानी की है जो एक गरीब मछुआरे की बेटी थी। वो बहुत ही मेहनती और नेक लड़की थी। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। पिता के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। वो मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचा करती थी। उनका गुजारा बहुत ही मुश्किल से चल रहा था। माँ भी दो दिन से बीमार बिस्तर पर लेटी हुई थी। रानी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ का इलाज भी करा सके। हमेशा की तरह रानी ने जल्दी उठकर अपना मछली पकड़ने वाला जाल और बाल्टी उठाई और नदी पर मछली पकड़ने चली गई। नदी के किनारे पहुंचकर उसने अपना जाल नदी में डाला और मछली के फंसने का इंतजार करने लगी। वहीं पास में रानी के पड़ोस में रहने वाला दुष्ट और लालची मंगू भी मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाल रहा था। तभी रानी को देखकर मंगू ने कहा, रानी, नदी किनारे बैठकर बड़ी मछली नहीं फंसने वाली। मेरे पास नाव नहीं है कि जो मैं नदी में जाकर मछली पकड़ सकूं। अब सब कुछ भगवान के ऊपर है, उन्होंने चाहा तो मुझे बड़ी मछली जरूर मिलेगी। मंगू रानी का मजाक उड़ाते हुए बोला, तो बैठी रहो नदी किनारे, भगवान तुम्हारे लिए लाल मछली भेजेंगे। लाल मछली एक बहुत ही नायाब मछली होती है जिसकी कीमत लाखों में थी। ऐसी मछली किसी खुशकिस्मत वाले को ही मिलती है, जिसकी बात मंगू बोल रहा था। रानी ने मंगू की बात पर ध्यान नहीं दिया और काफी देर तक इंतजार करने के बाद उसे अपना जाल बाहर खींचा तो उसे अपना जाल बहुत भारी भारी लग रहा था। लगता है जाल में इस बार कोई बड़ी मछली फंसी है। लेकिन जैसे ही उसने जाल बाहर खींचा वो निराश हो गई। जाल में मछली नहीं बल्कि ढेर सारा कचरा जैसे प्लास्टिक की बोतलें, फटे पुराने जूते, चप्पल फंसे हुए थे। ये देख मंगू ठहाके लगाते हुए बोला, आज तो तेरे हाथ बहुत बड़ा खजाना लगा है। इसी तरह खजाना मिलता रहा तुम्हें तो तुम तो एक दिन बहुत बड़े बंगले की मालकिन बन जाओगी। मंगू की बात को अनसुना कर रानी बोली, हे भगवान, इस दुनिया में कैसे लोग रहते हैं। जो नदी हमें पीने के लिए पानी देती है उसी में लोग ना जाने क्या क्या गंदगी डाल देते हैं। ये कहकर उसने फिर से नदी में जाल फेंका, लेकिन इस बार उसके जाल में छोटी छोटी मछलियाँ फंस गई। जल्दी से सभी मछलियाँ समेटकर रानी उनको बेचने बाजार की ओर निकल पड़ी।
दिन भर वो ग्राहकों का इंतजार करने लगी, लेकिन छोटी मछलियां होने के कारण किसी ने भी उसकी मछलियां नहीं खरीदी। बाकी के मछुआरे बड़ी बड़ी मछलियां पकड़कर लाए थे। उनकी मछलियां देखते ही देखते सारी बिक गई। हे भगवान, शाम भी होने वाली है और बाजार भी उठने वाला है, एक भी ग्राहक नहीं आया। सोचा था मछली बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे माँ के लिए कुछ दवाइयाँ और फल लेकर जाऊंगी। रानी ये सोच ही रही थी तभी वहाँ एक आदमी आया और बोला, ए लड़की, ये मछली कितने की है? वैसे तो ये मछली 200 रुपए की है, पर मैं आपको 150 रुपए में दे दूंगी। 150 रुपए तो महंगा है, मैं इन छोटी मछलियों के सिर्फ 100 रुपए ही दूंगा। वैसे भी बाजार उठ चुका है, तुम्हारी ये मछलियाँ कोई नहीं खरीदेगा। आखिरकार अपनी बीमार माँ के खातिर रानी को सारी मछलियाँ 100 रुपए में बेचनी पड़ी। फिर उसने अपनी दुकान समेटी और घर जाने के लिए निकल पड़ी। अभी वो बाजार से निकल भी नहीं पाई थी कि तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, दया करो मुझ पर। रानी ने मुड़कर देखा कि एक अंधा और अपाहिज भिखारी सड़क किनारे बैठकर याचना कर रहा था। रानी को उस पर दया आ गई। फिर पास की दुकान से कुछ खाने का सामान खरीदकर उस भिखारी को देते हुए बोली, बाबा ये लो कुछ खा लो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझ गरीब पर दया दिखाई, कौन हो तुम? भिखारी के पूछने पर रानी ने अपने बारे में सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर वो बूढ़ा भिखारी अपनी झोली में हाथ डाला और कुछ दाने निकालकर रानी को देते हुए बोला, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मुझ भिखारी की मदद की है बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा इसका फल जरूर देगा। लो ये दाने रख लो, कल जाल डालने से पहले इन दानों को नदी में छिड़क देना। रानी ने भिखारी के दिए हुए दाने अपने पास रखी, पुरानी चादर भिखारी को उड़ाकर घर की ओर चल दी। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत अब ठीक हो गई थी। फिर उसने खाना बनाना शुरू किया। रानी ने बाजार से थोड़े चावल और आलू खरीदे थे, उसने वो जल्दी से बनाए और फिर अपने हाथों से माँ को खाना खिलाया। जब वो खाना खाने बैठी तभी वहाँ गाँव का कुत्ता शेरू आ गया, जिसे देखकर रानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वो शेरू को पुचकारते हुए बोली, क्या हुआ शेरू, तुम्हें भूख लगी है? रुक, मैं तुझे अभी देती हूँ। इसके बाद रानी ने अपनी प्लेट में से आधा हिस्सा खाना शेरू को दे दिया। शेरू और रानी की दोस्ती बहुत पुरानी थी। वो जब भी खाना खाने बैठती शेरू अक्सर उसके घर आता और उसके साथ बैठकर खाना खाता। अगली सुबह रानी फिर से अपना जाल लेकर मछली पकड़ने नदी किनारे निकल पड़ी। नदी किनारे पहुंचकर उसे उन दानों की याद आई जो उस बूढ़े भिखारी ने उसे दिए थे। उसने उन दानों को नदी में बिखेरे और फिर अपना जाल नदी में फेंका। कुछ देर बाद उसे लगा कि जाल में कोई भारी चीज फंस गई है। रानी जाल को खींचने लगी पर वो खींच नहीं पा रही थी। जैसे तैसे काफी मेहनत के बाद उसने जाल बाहर निकाला। जाल को देखकर रानी की आंखें चमक उठी क्योंकि उस जाल में लाल मछली फंसी हुई थी। ये सब नजारा मंगू भी देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अरे बाप रे, इतनी बड़ी लाल मछली, अगर ये मुझे मिल जाए मैं तो अमीर बन जाऊंगा। इस लड़की से किसी भी तरह से मछली मुझे छीन लेनी चाहिए। मंगू के गलत इरादों से अनजान रानी बड़ी मुश्किल से वो मछली को उठाकर वहाँ से जा रही थी कि तभी उसे एक धक्का लगा। वो बुरी तरह जमीन पर गिर गई और मछली भी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। उसे धक्का मंगू ने दिया था। रानी के गिरते ही मंगू तेजी से लाल मछली को उठाकर वहाँ से भागने लगा। ये देख रानी चिल्लाते हुए बोली, चोर चोर पकड़ो उसे, मेरी मछली लेकर भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे। लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो उसकी पुकार सुन सके। लेकिन अगले ही पल ना जाने शेरू कहाँ से आ गया भागते हुए। वो मंगू पर टूट पड़ा, उसने कई जगह मंगू को काट खाया। वो दर्द से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव में रहने वाले लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। इतने सारे लोगों के सामने अपनी पोल खुलता देख लाल मछली वहीं छोड़ मंगू वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तब तक रानी भी वहाँ पहुँच गई और लाल मछली उठाकर मन ही मन बोली,
ये मछली बहुत बड़ी है, क्यों ना मैं इसका कुछ हिस्सा काट कर खाने के लिए रख लूं और बाकी हिस्सा बाजार में बेच दूंगी। ये सोचकर रानी मछली को घर ले आई और उसने जैसे ही उस मछली को काटा तो उसके पेट से एक लाल रंग का बड़ा माणिक पत्थर रूबी निकला, जिसे देखकर रानी हैरानी से बोली, लगता है ये कोई कीमती पत्थर है, इसकी कीमत तो लाखों में होगी, जरूर उस बूढ़े भिखारी के दिए हुए दानों का ही कमाल है, मुझे जाकर उनका धन्यवाद करना चाहिए और ये पत्थर मुझे उन्हें दे देना चाहिए। ये सोचकर रानी उसी जगह पहुंची जहां उसे वो भिखारी मिला था। उसने यहां वहां देखा लेकिन उस जगह पर कोई नहीं था। लोगों से पूछने पर पता चला कि उन लोगों ने वहां किसी बूढ़े भिखारी को पहले कभी नहीं देखा। तो फिर वो कौन थे? क्या भगवान स्वयं मेरी मदद करने आए थे और मेरी किस्मत बदल दी? इस घटना के बाद रानी की काया ही पलट गई। उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रही, वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।